सेना को अपना काम करने देना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। और हमारी सेना और हमारा देश, देश की जनता किसी तरह के मुकाबला करने के लिए कभी भी हमेशा तैयार है। सैनिकों को हम लोग सैल्यूट करते हैं, रात दिन सीमा पर, सरहद पर देश के रक्षा के लिए अपने जान को न्यौछावर करके डटे हुए हैं। जीत तो हमारी होगी, इसमें बेकार का बात। पाकिस्तान से लगातार फायरिंग अभी चल रही है, पाकिस्तान अभी तक सुधरा नहीं है, कल भी अटैक हुआ था, घुसपैठ हुई है। वो तो आदत है ना, छुटता नहीं ना, छुटता नहीं है तो उनको बढ़िया लेसन दिया जाए, दिया जाएगा अपने यहाँ से। क्या लालू जी युद्ध ऑप्शन हो सकता है? ये सब पर बात यहाँ टीवी पर थोड़ी होता है, ये सब बात चलते फिरते ये सब बात होता है, सब राजनीति का बात है। ये राहुल गांधी ने कल ये बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जवानों की खून की दलाली कर रहे हैं, इस तरह के बयान को कैसे देखते? नहीं नहीं, बोलने का वो ठीक से नहीं बोल पाए, नहीं रख सके राहुल गांधी ठीक से मैटर को नहीं रख पाए। अरे काहे को कंडम करते हैं, नहीं रख पाया तो केजरीवाल जो वीडियो की डिमांड, उन्होंने आज तक अपनी बात से पीछे नहीं हटे हैं। वीडियो लगातार केजरीवाल के हर मंत्री कह रहे हैं कि वीडियो जारी करना चाहिए। केजरीवाल अब धरती में गड़ रहा है, केजरीवाल धरती में गड़ रहा है अब, इसका रोज एक एक कोई ना कोई मंत्री फंसता जा रहा है, ईमानदारी का पुल खुलता जा रहा है। तो फजूला काम जो देश में जो काम है वो करना चाहिए सबको। विपक्ष जो है बिहार में ये आरोप लगा रहा है कि रेप के आरोपी से लालू जी कल मिले हैं। हाँ मिले हैं, रेप का फैसला करेगा न्यायपालिका, कोई रेप के मामले में बता, मेरे दरवाजा पर कोई आएगा तो भगा देंगे। वो आया, मिला, गया, वो तो बोला नीतीश जी से भी मिलेंगे, वो मिल हो जाएगा वहाँ। यहाँ कोई कोर्ट कचहरी में ये सब कौन मिलता कौन जाता ये सब विचार होता, न्यायपालिका देख रहा है। सर आज बिहार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है, शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करने वाली है, क्या उम्मीद लगाए हैं आप? अब उम्मीद हम क्या बता देंगे कि क्या उम्मीद लगाए, अब इंतजार करो ना, उम्मीद से थोड़ी कोर्ट चलता, एक दो बजे ले आएगा खबर जी, जो आएगा सब ठीक रहेगा। अच्छा ज्वाइंट सेशन था पार्लियामेंट का पाकिस्तान में, वहाँ भी नवाज शरीफ ने बुरहान वानी को हीरो बताया। अच्छा जाकर उसको तुम चिट्ठी लिखो ना कि क्यों ऐसा किया,